कुछ मैं माधव राव सिंधिया पब्लिक स्कूल से मिसेज रेणु मोदी आपकी योग शिक्षिका। जैसे कि सब बच्चे आप जानते हैं कि सब हमारा पूरा देश कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है और हम लोग घर में लॉकडाउन है, लेकिन हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा सेफ है, इसलिए सारे बच्चे घर में कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन हम समय ना गंवाते हुए अगर हम योग का अभ्यास भी करें तो क्या होगा, अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वार्म अप। अब कोई भी आसन करने से पहले जरूरी होता है उसको वार्म अप करना। वार्म अप करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने स्थान पर सीधे खड़े होंगे और वार्म अप करने के लिए इस तरीके से स्थिर दौड़ शुरू कर देंगे। इसके पश्चात अपने स्थान पर दौड़ करने के बाद थोड़ी देर हम इस तरीके से नाक से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अब अपनी श्वसन को सामान्य करेंगे। आपकी श्वसन क्रिया जब सामान्य हो जाएगी तब हम करेंगे नेक रोटेशन यानी कि गर्दन की एक्सरसाइज। इसके लिए हम 5 बार क्लॉक वाइज 5 बार एंटी क्लॉक वाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉक वाइज 1, 2, 3, 4, 5। अब अपनी जगह पर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। ये आसन जो हम वार्म अप करा रहे हैं ये बच्चों के लिए है, इसे करने से आपकी हाइट बढ़ती है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाथों को इस तरीके से लाएंगे और सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस एक बार फिर और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। इसको हमें कम से कम 5 से 6 बार करना है। अगला वार्म अप है, हम इस तरीके से दोनों हाथों को मिलाते हुए सांस लेंगे और अपने पैरों के पंजों के बल सीधे खड़े होना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। इसे हम जितने अच्छे से करेंगे हाथ खींचते हुए उतनी हमारी हाइट बढ़ेगी, इसलिए सभी बच्चों को ये अच्छे से करना है। सांस लीजिए और हाथों को ऊपर खींचिए और धीरे से वापस। अब इसके बाद अब हम करेंगे कमर की एक्सरसाइज यानी कि वार्म अप कमर के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, राउंड राउंड 5 बार क्लॉक वाइज 5 बार एंटी क्लॉक वाइज 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉक वाइज 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम धीरे से हाथों को नीचे लाते हुए अपनी शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, 5 बार आगे की तरफ से यानी फॉरवर्ड, 5 बार पीछे की तरफ से बैकवर्ड। स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पीछे की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5। आराम से धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे और उसके बाद हम अपनी आई रोटेशन यानी कि आंखों की एक्सरसाइज करेंगे 5 बार क्लॉक वाइज 5 टाइम एंटी क्लॉक वाइज यानी कि 5 बार हमें आंखों को दाहिनी तरफ से लाना है और 5 बार बाईं तरफ से। इस तरीके से आंखों को घुमाते हुए ये सभी आसन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी आसन योगा का करेंगे तो उसके लिए वार्म अप जरूरी है। हम वार्म अप करने के बाद फिर अपने शरीर के साथ जो भी खड़े होके बैठने वाले लेटने वाले पीठ केवल पेट केवल जो भी आसन करेंगे वो उसके लिए हमें वार्म अप जरूरी है। वार्म अप करेंगे तभी हम अच्छे से आसन कर पाएंगे बच्चों, नहीं तो आपके कोई भी आसन सही प्रकार से आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको वार्म अप जरूर करना है, पहले वार्म अप करिए फिर हम आपको आसन कराएंगे।